और अब बात नीट की और सवाल के नीट कितना क्लीन। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों के एक समूह से मुलाकात की। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद देश भर में मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने नीट में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का भरोसा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नीट में गड़बड़ी के आरोपों की जांच में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका ये अधिकार है, पक्ष के सामने सरकार के सामने बात रखना एक प्रजातंत्र में उनके अधिकार है। इसलिए मैंने तो उनको आज बुला के मिला, मेरे चैम्बर पे मिला, लेकिन उसमें से जो कुछ आउटसाइडर्स उसमें से लगे हैं शायद कुछ उनकी हानि हो रहा है। नीट पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने नीट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये सरकार भी ग्रेस मार्क के साथ चल रही है। आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नीट में पेपर लीक के लिए मोदी सरकार सीधे जिम्मेदार है। गुजरात सहित बीजेपी शासित राज्यों में ये घोटाला हुआ है। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके यह सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है। यह हमने कल सुना और देखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। इस सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया। गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में साजिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने नीट का आयोजन कराने वाली एजेंसी एनटीए से कई अहम जानकारी मांगी है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय को छात्रों के माता पिता ने चेक और पैसे दिए थे। आरोप यह है कि मेडिकल प्रवेश के लिए करीब 2,30,00,000 का लेन देन हुआ था। बिहार में नीट में गड़बड़ी को लेकर गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आयुष नाम के इस आरोपी ने कबूल किया है कि नीट परीक्षा के दौरान उसे जो प्रश्न पत्र मिला था वो पहले ही उसे उत्तर के साथ मिल चुका था और उसके सभी साथियों ने उन प्रश्नों को याद कर लिया था। नीट में गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी छात्रों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें पेपर लीक मामले की हाई लेवल इंक्वायरी और परीक्षा को कैंसिल करके रिकॉर्ड सीज करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि डीएमके हमेशा से इसके विरोध में रही है, उनके विरोध की वजह से एनटीए जैसी व्यवस्था आई है। कोचिंग संस्थानों के कोर्ट जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम बात करते हैं सर, जिस तरह से नीट को लेकर के सर, जिस तरह से कांग्रेस हो डीएमके हो लगातार आरोप लगा रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? देखिए उनकी पुरानी आरोप है, डीएमके वाले तो नीट को डे वन से विरोध करते थे क्योंकि उनकी राज्य की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बंद हुई थी, एनटीए की जन्म हुई थी और एनटीए पिछले कुछ सालों से इस परीक्षा को कंडक्ट कर रही है। आज देश में 4,750 सेंटर में 23,33,000 स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा दिया है, परीक्षा अच्छी हुई है। कुछ सेंटर्स में कुछ स्मॉल माइनर एलमोलिस की ध्यान आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में कल समाधान कर दिया गया है। एक दो और जगह की कुछ घटनाएं खबर आई है, उसको वहां की स्थानीय एजेंसी उसकी निगरानी कर रही, कुछ प्रिवेंटिव काम भी किया है। इस सारा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, छात्र जो है वो भी धरने पर बैठे हैं, किस तरह का आश्वासन जो है वो छात्रों को देते हैं सर? देखिये मैं आज भी कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों भी मिला, मैं सभी को आश्वस्त किया, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है, आप आश्वस्त रहें, कोई घबराने के कारण नहीं है, जो न्याय संगत पारदर्शी होगा बिना लुका छुपी बिना लिपापोती सब किया जाएगा और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, इसलिए कोई कुछ घबराने के कारण नहीं, विद्यार्थी अपने पढ़ाई में रहे। लेकिन अगर सर हम बात करें सर, में कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर हैं वो कोर्ट में गए हैं सर, कैसे देखते हैं इसे? ये थोड़ा हमें निश्चित रूप में चिंतित हम हो जाते हैं कि विद्यार्थी या अभिभावक चिंता प्रकट करे तो वाजिब है, उनका ये अधिकार है, पक्ष के सामने सरकार के सामने बात रखना एक प्रजातंत्र में उनके अधिकार है, इसलिए मैंने तो उनको आज बुला के मिला, मेरे चैम्बर पे मिला, लेकिन उसमें से जो कुछ आउटसाइडर्स उसमें से लगे हैं, शायद कुछ उनकी हानि हो रहा है। जब परीक्षा व्यापक हो जाएगी, परीक्षा में नॉन कोचिंग वाले ज्यादा आएंगे, तब तो किसी के मन में स्वाभाविक चिंता होना एक प्रश्न होती है ना। बड़े बड़े शहरों में दिन रात मार्केट खुले रहते हैं, जब जी किया आप बाजार निकल गए, अब एमपी के कई शहरों में बाजार दिन रात खुले रहेंगे, क्या है ये योजना, किन शहरों को ये सुविधा मिलेगी, देखिए। आधी रात को शॉपिंग का हुआ मन, अब नहीं होगी कोई टेंशन, जब जी चाहे मार्केट जाइए, जो मन करे वो खरीदिए। आमतौर पर बड़े शहरों में मिलती है ये सुविधा, बाजार दिन रात रहते हैं गुलजार, लेकिन एमपी के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, प्रदेश के कई शहरों में अब बाजार हमेशा खुले रहेंगे, सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, अधिसूचना जारी होते ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के साथ ही 16 नगर निगम और औद्योगिक इलाके पीथमपुर, मालनपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप में भी अब मार्केट खुले रहेंगे। इन शहरों में मिलेगी सुविधा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, मालनपुर। इन शहरों में मॉल, रेस्तरां, होटल और रिसोर्ट के साथ ही ऑफिस, आईटी सेक्टर, बिजनेस सेंटर भी खुले रहेंगे। हालांकि बार, शराब दुकानें, अहाते, पब, डिस्को क्लब में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। सरकार ने मंजूरी देते समय ये ध्यान रखा है कि कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, यानी कोई फैक्ट्री उनसे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करा सकेगी, यदि कराती है तो उसे ओवरटाइम मिलेगा। प्रस्ताव के तहत कारोबार करने वालों को श्रम कानूनों का पालन करना होगा, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होंगी, 8 घंटे के हिसाब से कर्मियों को वेतन और सुविधाएं देनी होंगी, हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं, बार, शराब दुकान, अहाते, पब, क्लब पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस व्यवस्था से लोगों को तो फायदा होगा ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। प्रदेश के कई राज्यों में ये व्यवस्था पहले से लागू है और अब एमपी के कई शहरों में ये सुविधा मिलेगी। आम लोगों के लिए होटल, रेस्तरां से लेकर औद्योगिक इकाइयां और ऑफिस तक दिन रात लोगों को सेवाएं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शिकारे की सैर करनी हो तो आप कहां जाएंगे, ये सवाल पहले पूछते तो जवाब होता कश्मीर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कश्मीर के डल झील वाला मजा अब भोपाल के बड़ा तालाब में मिलेगा। तालाब में तैरते ये शिकारे, गर्मी के मौसम में शिकारे की सैर का अनुभव अद्भुत है।
बात शिकारे की आती है तो कश्मीर की डल झील याद आ जाती है, लेकिन ये तस्वीरें कश्मीर की नहीं भोपाल की है। जी हाँ, डल झील का मजा अब भोपाल के बड़ा तालाब में मिलेगा। बड़ा तालाब में शुरू की गई है शिकारे की सेवा। महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी ने शिकारे का शुभारंभ किया। मालती राय ने बताया कि पर्यटक जब बड़ा तालाब आएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो डल झील आ गए हैं। इसी मकसद से ये शिकारे शुरू किए गए हैं और हमने नाव को शिकारे के रूप में परिवर्तित करके ब्यूटीफाई करके और भोपाल की जनता को नई सौगात देने का प्रयास किया है कि कम से कम जब यहाँ पर लोग बड़े तालाब के किनारे बोट क्लब पर आएंगे तो उनको यह महसूस होगा कि हम कश्मीर के शिकारे में बैठने के लिए आए हैं। इस तरह का नगर निगम का प्रयास है। भोपाल की खूबसूरती यूं तो पूरी दुनिया में मशहूर है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अब पर्यटकों को यहाँ शिकारे की सैर का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। विधायक सबनानी ने इस पहल की तारीफ की और बधाई भी दी है। सैलानी और पर्यटक जो आते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होगी। भोपाल जैसा है उसमें और बेहतर हुआ है, इसके लिए भोपाल के महापौर और नगर निगम के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है शिकारे के रूप में कि अब कश्मीर में हमको जाने की जरूरत नहीं है, डल झील जाने की जरूरत नहीं है। एनजीटी के आदेश पर बड़ा तालाब में क्रूज चलाना बंद कर दिया गया, लेकिन अब क्रूज की कमी ये शिकारे पूरी कर रहे हैं। भोपाल को ये बड़ी सौगात है। जब बड़ा तालाब में चल रहे हों इतने शानदार शिकारे तो डल झील क्यों जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकाल मंदिर को हर साल करोड़ों की आय होती है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर पर 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया है। 27 साल से मंदिर प्रबंध समिति ने टैक्स जमा नहीं किया, आखिर क्यों, देखिए। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में करोड़ों का दान भी आता है, लेकिन इसके बाद भी महाकाल मंदिर पर फिलहाल 1 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स बकाया है। ये देनदारी उज्जैन नगर निगम की है। मंदिर पर 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की देनदारी है। बताया जा रहा है कि 27 सालों से मंदिर समिति ने टैक्स नहीं भरा है। करोड़ों की आमदनी, लाखों बकाया, महाकाल मंदिर पर 1 करोड़ की देनदारी, मंदिर पर नगर निगम का टैक्स है बकाया, 32,43,000 का वाटर टैक्स है बाकी, 80 लाख से ज्यादा अन्य टैक्स भी बकाया। 27 सालों से समिति ने नहीं भरा है टैक्स। करीब 100 करोड़ है मंदिर की सालाना आय। धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर से है छूट, धार्मिक स्थलों को देने होते हैं अन्य टैक्स। उज्जैन के महापौर मुकेश टाटवाल ने बताया कि मंदिर प्रबंधन समिति को सूचना देने के बाद भी जलकर नहीं चुकाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के खर्चे बढ़ गए हैं, संसाधनों को बढ़ाने के लिए शहर के लोगों के साथ ही मंदिर प्रबंध समिति को भी टैक्स का भुगतान करना चाहिए। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, पानी की व्यवस्था करना, तो नगर निगम का कोई आय का साधन नहीं बढ़ा है। जो हमारे संसाधन है उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं, तो सभी लोगों को, चाहे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति हो या आम नागरिक हो जो नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करते हैं या जल का उपयोग करते हैं नल कनेक्शन के माध्यम से, तो मेरा उन सबसे भी अनुरोध है कि उनको अपना अपना कर समय में जमा करें ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सके। महाकाल मंदिर सहित शहर के सभी धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर में छूट मिली है, लेकिन अन्य टैक्स देने होते हैं। कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि नगर निगम के टैक्स के मामले में छूट मिल जाए, इसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मंदिर समिति ने इसमें ये निर्णय लिया है कि शासन को प्रस्ताव भेजा जाए कि संपत्ति कर की श्रेणी में मंदिरों को न रखा जाए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को श्रद्धालुओं के दान से करोड़ों की आमदनी होती है। मंदिर समिति को अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 तक 144,67,00,000 से ज्यादा की आय हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मंदिर प्रबंध समिति टैक्स जमा नहीं कर रहा। नगर निगम टैक्स की मांग कर रहा है तो कलेक्टर टैक्स में छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज 18, उज्जैन।